का नाम मारिया पालीवाला है, मेरे फादर का मर्डर किया गया है, उनको ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत थी। हम हर पॉसिबल हर शख्स के पास, हमने हाई कोर्ट से लेके आईजी से लेके एसपी से लेके छोटे से छोटे थाने तक हर जगह हमने रिपोर्ट दी कि हमारे पापा मर जाएंगे, प्लीज़ उनको बचा लो, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और सर, इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि इनकी झूठी विल बनाएंगे। हर बार इन्होंने हमको यही धमकाया कि हमने अंगूठे लगवा दिए, अब तुम क्या करोगे। और फिर उसके अलावा कोई भी रिलीजन के नाम पे आप मर्डर करके और छुप नहीं सकते हो। आपने क्या किया, किस तरह दफनाने के बाद में आप कोई दफनाया नहीं? सर दफनाया नहीं गया था। पुलिस वॉज केपेबल इनफ टू स्टॉप ऑल ऑफ इट एंड दे टुक द बॉडी इन देयर हैंड्स बिफोर बरियल। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कल सुनवाई थी हबियस कॉर्पस रिट की, और उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे सुबह सुनवाई थी, जैसे ही नोटिसेज इशू हुए, फैक्चुअल रिपोर्ट्स बनी, इन्होंने यहाँ पे मेरे पापा का मर्डर कर दिया सर, इन द हाई कोर्ट हबियस कॉर्पस रिट, इट इज 226 ज्यूरिसडिक्शन। अभी आप क्या मांग करते हैं, किस तरह की? मेरे पापा को मारा है, मेरे पापा को इंसाफ चाहिए। और हम तीन बेटियों का और मेरी माँ का क्या होगा सर? इनके साथ तो ये सारी फौज है, हमारे साथ तो कोई नहीं है। और हमारे धर्म में कहानी है करबला की, उसमें है ना यजीद के साथ बहुत सारे लोग थे और हुसैन के साथ, जो कि इस्लाम बचाने वाले थे, उनके साथ सिर्फ थोड़े लोग थे। और आज हम तीन खड़े हैं यहाँ पे और इनके साथ पूरी फौज खड़ी है। और मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, अब मैं लीगल सारी रेमेडीज अपनाऊंगी और मेरे पापा को मैं इंसाफ दिलाऊंगी। जी, अब क्या चाहते हो? पोस्टमार्टम के बाद जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर देखा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पड़ोसियों से हमको ये पता चलता है कि उनको स्टार्व करके मारा गया है, उनको ना पानी दिया गया है, उनको ना खाना दिया गया है, ना प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है। और ये इनके जो रिलेटिव है डॉक्टर अब्बास सेफी, ये उनके आड़ में गेम खेल रहे हैं, जबकि इनके डॉक्टर उदय भौमिक है, डॉक्टर सेफी है ही नहीं। मेरा नाम फातिमा है, मैं नीमच खेड़ा निवासी हूँ। मेरे मामा केजार हुसैन पालीवाला है, जो कि 10 से 15 साल से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। 2017 में उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ और उनके बीवी बच्चों ने इल्ज़ाम लगाया थोड़े ही दिनों बाद कि उनको मारा गया, जो कि मेरे मामा उस वक्त पलंग से उठने की हिम्मत भी नहीं थी। और फिर झूठा अखबार में दिया गया कि बेटियों के साथ माँ हुई बेघर, ठीक है। उसके बाद हमने तब कुछ डिसीजन तब भी इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे मामा को संभालना था। तब से इनकी बच्चियाँ और उनकी बीवी, उनका कोई संबंध नहीं है उनसे, वो देखते भी नहीं है, ना सेवा करते ना कुछ है। अभी की बात करें तो अभी 9 महीने पहले उनको फिर से बेहोश हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी नानी ने मेरी मम्मी को कॉल करके बुलाया और उनको मैग्नस हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर वो भर्ती रहे। फिर उनको वहाँ से गीतांजलि हॉस्पिटल ले जाया, जहाँ पे उनका माइनर सर्जरी डॉक्टर भौमिक के द्वारा की गई, जहाँ पे उनको बताया गया कि वो उनकी सीरियस कंडीशन है और अब उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और हमने जितना इलाज था वो प्रॉपर किया है और डॉक्टर सेफी साहब का इतने सालों में इलाज चल रहा था। उसके बाद मेरी नानी मेरे मामा को लेके मेरी मम्मी के घर पे, यानी मेरे घर पे लेके आ गई, क्योंकि वह बुज़ुर्ग होने के कारण, 85 इयर्स की होने के कारण वो सेवा नहीं कर सकती थी। और मेरी मम्मी, जो कि खुद 60 साल की होने को आई है, वह भी बुज़ुर्ग होने के कारण उसको भी दिक्कत होती है, इसीलिए हम सब फैमिली मेम्बर्स उनके साथ सेवा करते थे। अभी कल की बात देखें तो उनकी कल करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनकी बेटियों को और उनकी माँ को इन्फॉर्म किया गया, जिसकी वजह से उनकी माँ और दो बच्चों के साथ वो आई, वो देख के मामा को गई। उसके बाद मामा को कब्रिस्तान शिफ्ट करने के लिए खांजीपीर ले जाया गया, जहाँ हमारे बोरा समाज का कब्रिस्तान है, वहाँ पे सब रीति रिवाजों के साथ मामा को दफ्न किया गया। उसके बाद पुलिस हमारे घर पे आती है, मतलब दफ्न उसके पहले पुलिस हमारे घर पे आती है, जहाँ पे हम उनको बताते हैं कि हमारे मामा को ऑलरेडी खांजीपीर ले जाया चुके हैं। पुलिस खांजीपीर पहुँचती है, तब तक दफ्न हो चुके होते हैं मामा सब रीति रिवाजों के साथ। और देखा जाए तो मुस्लिम समाज में रिवाज है कि एक बार दफ्न होने के बाद इंसान को नहीं निकाला जाता है, उसके पहले ही जो करना होता है वो किया जाता है। वह उनको पता होने के बावजूद भी उन्होंने उस चीज़ को खींचा और दफ्न होने के बाद मेरे मामा को फिर से निकाला गया और मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। अभी उसकी कार्रवाई चल रही है, अभी मामा का पोस्टमार्टम होगा और जो रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे।
क्या आरोप लगाया इनकी पत्नी और बच्चों? इनकी पत्नी और बच्चों ने आरोप लगाया है कि मेरी मम्मी उनको बंद कमरे में रखती है। और कुछ महीनों पहले की बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कमिश्नर, तहसीलदार सबके साथ ये जाप्ता लेके आई थी हमारे घर पे, जबरदस्ती मेरे मामा जब जो कंडीशन में थे कि उनको कहीं पर ले जाया जाए तब भी थाना अम्बा माता में मृतक की पत्नी के द्वारा रिपोर्ट मिली थी। हम बॉडी का मेडिकल से बोर्ड करा मेडिकल बोर्ड से इसका पीएम करा के बॉडी उनको वापस सपोर्ट कराएंगे। इनके विवाद चल रहा है इस वजह से। अच्छा ठीक।